दोपहर का दम देख रहे हैं आप, मैं हूं मनोज सैनी। लेकिन बात कुमार विश्वास की है, दूसरे दिन भी मसला थमने का नाम नहीं ले रहा। अब इस पर सियासत गर्मा गई, टिप्पणी पर कांग्रेस की टिप्पणी पर, कुमार विश्वास की टिप्पणी पर सियासत गर्म है। कांग्रेस बीजेपी आमने सामने है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा है और टिप्पणी करते हुए समर्थन किया है, सच कहने का साहस कुमार विश्वास ने किया है। कुमार विश्वास के साहस को मैं धन्यवाद देता हूं। उधर संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर की कुमार विश्वास पर टिप्पणी सामने आई है, बुद्धि का अतिवाद कष्टदायी हो जाता है, ये कहना है उषा ठाकुर का। कुमार विश्वास ने आरएसएस को बताया था अनपढ़, अपनी टिप्पणी पर बाद में माफी भी मांगी थी। जरा सुनिए क्या कहा गोविंद सिंह ने और क्या कहा उषा ठाकुर संस्कृति मंत्री। देखिए, ये बुद्धि का अतिवाद कभी कभी कष्टदायी हो जाता है और पता नहीं किस अतिरेक में उन्होंने ये कहा, ये तो वो ही बता पाएंगे और उन्होंने अपनी इस गलती के लिए क्षमा भी। विश्वास कुमार जी ने जो मंत्री के सामने शासन के बैठे हुए हैं, सांसद सरकार के बैठे हुए हैं पार्टी के, उनके सामने खुलेआम कहा, संघ के बारे में जो टिप्पणी की है, वास्तव में मैं उनको धन्यवाद बधाई देता हूँ। कम से कम इतना साहस सच्चाई करके उन्होंने इस टिप्पणी को कहा है, उसके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ। चलिए, तो ये तो सुना आपने डॉक्टर गोविंद सिंह को, जो विपक्ष के नेता है, और साथ ही उषा ठाकुर को। लेकिन गोविंद सिंह ये कह रहे हैं कि मैं उन्हें बधाई देता हूँ, उन्होंने संघ को लेकर जो टिप्पणी की। लेकिन जब कमलनाथ से पूछा गया तो बचते बचते नजर आए, यानी दोनों नेताओं के अलग अलग बयान। जरा कमलनाथ जी को सुनिएगा कि कमलनाथ जी ने क्या कहा इस पूरे मसले को लेकर, सुनिएगा कमलनाथ। अब ये कुमार विश्वास और जिन जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उनके बीच में मुझे इसमें क्या लेना देना। अब ये कुमार विश्वास और जिन जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उनके बीच में मुझे इसमें क्या लेना देना। चलिए, कमलनाथ कह रहे हैं, हालांकि वो अलग बड़ी साफ गोई से अपनी बात रखते हैं, वो कह रहे हैं कि वो उनके लिए कह रहे हैं मुझे इसमें क्या लेना देना, तो वो बहुत बचते हैं टिप्पणियों से। लेकिन डॉक्टर गोविंद सिंह ने अपने बयान की बात कह दी। कल भी शाम को हमने देखा खबरें ऐसी आ गई कि शायद कुमार विश्वास का प्रोग्राम स्थगित हो जाएगा, एक पत्र कोई जारी हो गया और पत्र को लेकर भी खूब सियासत गरमाई। लेकिन बाद में कुमार विश्वास ने कार्यक्रम को दूसरे दिन का कार्यक्रम किया भी, आगे भी बढ़ाया। वो तस्वीरें आप दिखाएंगे हम आपको कि कुमार विश्वास ने कल शाम भी अपनी जो राम कथा थी उसको पढ़ा और लोगों ने श्रवण किया। लेकिन अब इस पर सियासत क्यों गर्म है तो समझते हैं। मेरे साथ दो मेहमान जुड़ रहे हैं, धैर्यवर्धन शर्मा जी है भारतीय जनता पार्टी के नेता और साथ ही आनंद जाट जी है। धैर्यवर्धन शर्मा जी, कुमार विश्वास संघ को लेकर जो टिप्पणी करते हैं, हालांकि कुमार विश्वास को समझना पड़ेगा क्या वो अपनी टिप्पणी करने से पहले ये एक मैसेज देना चाहते हैं कि मैं किसी पार्टी के साथ नहीं हूं, क्योंकि जब से वो राम की बात कर रहे हैं तो गाहे बघाए चर्चा चल बैठी थी, क्या वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ झुक रहे हैं, उसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। लेकिन एक बयान ने सब कुछ साफ कर दिया ऐसा लगता है। पर अब उनके बयान के बाद उषा ठाकुर जी कह रही कि अतिवाद कष्टदायी हो जाता है, आप क्या कहेंगे? देखिए, तब ये चमड़े की जुबान है, जिह्वा, ये बहुत लचीली है, इसमें कोई कंट्रोल के लिए हड्डियां नहीं है, कोई और कोई कंट्रोलिंग पैनल नहीं है, ये कभी कभी थोड़ा सा लय भिन्न हो जाती है, मुड़ जाती है। जहां तक संघ के लोगों का सवाल है, मैं किशोर अवस्था में था, हमारे प्रचारक हुआ करते थे माननीय उल्लास कुलकर्णी साहब। उल्लास कुलकर्णी जी उस जमाने के एमटेक थे, आप देखिए वो इस समय नॉर्थ ईस्ट में पूरे जीवन उन्होंने संघ के लिए समर्पित कर दिया है। संघ में जो अन्य प्रकार के प्रमोशन की परंपरा है उनकी भी उन्होंने चिंता नहीं की। उन्होंने कहा कि मुझे हिंदुत्व को अपना जीवन नॉर्थ ईस्ट में देना ज्यादा श्रेयस्कर लग रहा है वहां की परिस्थितियों को देखते हुए। तो मैंने एक ये छोटा सा उदाहरण दिया है, संघ में ऐसे हजारों लोग हैं जो उच्च शिक्षित हैं और अपना संपूर्ण जीवन त्यागमय जीवन जी रहे हैं, बलिदान कर चुके हैं। वे चाहते तो अच्छा व्यापार करते, अच्छी नौकरी करते, उसके लिए कैपेबल थे, परिवार के साथ आम गृहस्थों की तरह अच्छा जीवन जीते। इसलिए मैं सबसे पहले
विश्वास जी की, कुमार विश्वास साहब की इस बात को सिरे से नकार रहा हूं जो उन्होंने कही है, और उनके मन में पश्चाताप भी हुआ होगा तभी उन्होंने क्षमा याचना की है। मुझे लग रहा है कि संघ जैसे तपस्वी संस्थान पर उनके तपस्वी लोगों पर, डॉक्टर गोविंद सिंह उनको बधाई दे रहे हैं विपक्ष के नेता। देखिए गोविंद सिंह जी की अपनी पीड़ा है, दरअसल वे सब लोग जानते हैं कि संघ के संसेवक विचार के लिए समर्पित होते हैं, वो किसी भी नेता के बहकावे में लालच में नहीं आते, हो सकता है लहार में भी तमाम स्वयंसेवक उनकी तमाम चेष्टा कुचेष्टाओं के बावजूद भी उनके पाले में नहीं आ पाए होंगे, इसलिए उनके मन में होगी। अच्छा अच्छा जी, आनंद जाट जी, कमलनाथ जी कह रहे हैं कि मुझे कोई मतलब नहीं है, गोविंद सिंह जी कह रहे हैं मैं बधाई देता हूं कुमार विश्वास को कि उन्होंने ताकत दिखा दी, है क्या? अब इसमें कमलनाथ जी अगर ये कह रहे हैं कि एक पक्ष है कुमार विश्वास जी और दूसरा पक्ष है संघ के लोग, तो उसमें कांग्रेस का क्या लेना देना है? और जब डॉक्टर गोविंद सिंह जी जो कह रहे हैं वो सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री, बीजेपी के सांसद और जनप्रतिनिधि वहां बैठे हैं, तो हंगामा कुमार विश्वास के नाम को लेकर या उनकी बात को लेकर करने की बजाय इस बात पर हंगामा करे कि क्यों उच्च शिक्षा मंत्री वहां बैठे हुए थे, उनसे सवाल जवाब होने चाहिए, कुमार विश्वास से क्या सवाल जवाब होने चाहिए? और कुमार विश्वास ने ये कहा है कि अनपढ़ होते हैं, तो जो पढ़े लिखे होते हैं उनका ये धर्म होता है कि वो अपने कृत्यों से ये बता दें कि हम पढ़े लिखे हैं। इसमें अच्छा, तो इतनी क्या आवश्यकता है? सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, हालांकि भाजपा जो है मौका आता है तो कह देती है संघ से हमारा कोई लेना देना नहीं है, आज जो है भाजपा बचाव करती फिर रही है संघ का हर जगह, तो ये बता तो दें कि ये रिश्ता क्या है इस इन सारी चीजों पर। एक खत्म संगठन जिसका ना कोई रजिस्ट्रेशन है, जिसका ना कोई और छोर है, वो संगठन को बचाने के लिए भारत की पूरी सरकार लगी हुई है, मध्य प्रदेश की सरकार लगी हुई है, तो यहाँ पता तो चले कि ये अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे हैं, क्या है। नहीं, तो आपको, आपको कुमार क्या लग रहा? जी ने जो कहा है वो अपनी जगह है, कमलनाथ जी ने जो कहा वो अपनी जगह है, तो ये सरकार और कुमार विश्वास के बीच का मामला है, इसमें कांग्रेस का कोई लेना देना ही नहीं है। नहीं, फिर बधाई क्यों दे रहे हैं डॉक्टर गोविंद सिंह? तो बधाई तो ये दे रहे हैं कि सरकार के सामने एक व्यक्ति ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का पालन करते हुए सच्चाई जाहिर की है। धर्मेंद्र शर्मा जी, वो हालांकि मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे, मैं ये कह रहा हूँ क्या वो कांग्रेस भी अनपढ़ मांगती क्या संघ को? नहीं, इसमें कांग्रेस का क्या मसला है? जी जी, मनोज पनी साहब, संसार में ऐसा कोई भी संगठन नहीं है जिसमें अच्छे लोग ना हो। ये बात मैं जितने दावे से कह रहा हूँ उससे ज्यादा दावे से मैं ये कह रहा हूँ कि संघ एकमात्र संसार का ऐसा संगठन है जिसमें बहुसंख्यक श्रेष्ठ तपस्वी लोग हैं। एक आध व्यक्ति कोई ऐसा हो सकता है कि कभी कोई उससे भूल चूक हो गई हो, कोई गलत व्यक्ति आ गया हो, ऐसा कहीं भी संभव है, पर संघ के बारे में इस तरह की हल्की टिप्पणी करने से सभी को बचना चाहिए। मेरा ये कहना है संघ के खिलाफ हल्की बयानबाजी है, मतलब सूर्य को चंद्रमा को आप उंगली दिखा रहे हैं, उस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। मतलब उंगली तो उन्होंने दिखा दी कुमार विश्वास ने, अब भारतीय जनता पार्टी खैर अपनी बात कह रही है, कहना भी चाहिए, लेकिन आनंद जाट कुछ और कह रहे थे, वो भी सुन लिया होगा आप? नहीं, आनंद जाट साहब को तो समझ ही नहीं आ रहा कि वो कमलनाथ जी की तरह हाथों बच्चों की भूमिका को आगे बढ़ाए या गोविंद सिंह जी की तरह गैर जिम्मेदाराना बात पर अपनी टिप्पणी करें। मेरा यही कहना है मात्र कि संघ बहुत तपस्वी संगठन है, संघ का इस देश में करोड़ों लोगों में उनके हृदय में उनके मन मस्तिष्क में आस्था है, इसलिए हल्की टिप्पणी से बचना चाहिए। संघ का नाम जितनी बार जुबान पर आए वो आपके पापों को काटने वाला जी, है कुछ कह रहे? और आपकी भाभी पीढ़ियों को काटने वाला है। संघ का जितनी बार जुबान पर नाम आएगा ये पता चलेगा कि उनके सरसंघ चालक आरोपी बनकर महात्मा गांधी की हत्या के आरोपियों के कटघरे में खड़े हुए थे अदालत में, और मुखबिरों मुखबिरी में नाम आएगा
और पेंशन भोगियों में नाम आएगा, इसलिए इतनी पुण्याई सर कहाँ जा रहे हैं कीजिए जी, रजिस्ट्रेशन पर बात कीजिए, क्यों रजिस्टर्ड संस्था नहीं है भारत के कानूनों के हिसाब से। मुद्दा सर बेचारी चल रहा है, विचार पर बात हो रही है, पर घटिया बात करेंगे ये उम्मीद नहीं है मुझे। चलिए आप दोनों वालों को बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े, साथ ही आनंद जाट और धर्मवर्धन शर्मा। लेकिन कुमार विश्वास को लेकर एक बार फिर मामला गरमाया हुआ है, हालांकि कुमार विश्वास ने उसी दिन फिर से कथा पढ़ी, अपनी बात भी कही, राम की कथा पढ़ी, बातें ये कही जाने लगी थी क्या कुमार विश्वास भारतीय जनता पार्टी के नज़दीक जा रहे हैं, लेकिन अब उन्होंने ऐसा क्यों कहा, क्या वास्तव में जुबान फिसल गई या कहने के पीछे, क्योंकि कुमार विश्वास एक ऐसे व्यक्ति है जो जो भी कुछ कहते होंगे, जब जब उनके बयान आए हैं तो विवादों में भी पड़े हैं और कई बार उसके बड़े गहरे मायने भी निकाले गए और निकले भी हैं, लेकिन अब उषा ठाकुर का ये कहना कि अतिवाद कष्टदायी हो जाता है, अब इसके मायने क्या, तो समझेंगे इसको।